भर में क्या सीखा बताइए। यस सन्नू जी, आज की क्लास में ये था कि आपका एक सही डिसीजन आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है और एक गलत डिसीजन आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अपने जो भी आप डिसीजन लेते हो, अपने विवेक से, अपनी समझदारी के साथ सही डिसीजन ले और अपने अपने लाइफ में सक्सेस करें। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, अमेजिंग। अंशु अंशु जी, सर, पहला जो स्टोरी था उससे हम लोग यही सीखे कि हमें हमेशा सही डिसीजन लेना चाहिए, जब भी मतलब मौका मिले तो सही डिसीजन लेना चाहिए। दूसरे स्टोरी से हम ये सीखे कि हम जो भी काम करें, या वो टिफिन वाले मुंबई टिफिन वाले की स्टोरी हो या फिर लकड़हारे की, हम जो भी काम करें वो शिद्दत से करें, पूरे अच्छे तरीके से। मतलब जो भी काम करें वो अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और सर, और एक ये भी कि हमको अपना स्वदेशी अपनाना चाहिए। मतलब रहते हैं हमारे पास ऑप्शन, लेकिन हम लोग को लगता है सस्ता है तो ये ले लेते हैं, लेकिन यही है कि हाँ, 2 पैसा ज्यादा होगा, लेकिन हमें स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमारे देश में होगा तो कल को वो हमारे ही काम आएगा। नहीं तो फिर पैसा बाहर जाएगा तो हमारा देश ही गरीब होगा और आगे चल के फिर वही चीज होगा, तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। और सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ग्रेट, वेरी गुड, रियली अमेजिंग, वेरी गुड। यस राधा जी, राधा जी नहीं है, सोनी जी। यस सर। सर, आज की स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिला है कि हमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। काम काम होता है और पैसों के पीछे तो नहीं भागना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसा हमें एक तरह से अगर ऊंचाई पे पहुंचाता है तो वही पैसा हमें गिरा भी देता है। और रही हाँ बात हाँ स्वदेशी सामान अपनाने की, तो हमें विदेश का ना समर्थन करके अपने देश के सामान का ज्यादा समर्थन करना चाहिए, वहां का सामान खरीदना चाहिए। हमारा देश तभी तरक्की की तरफ जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेनी सर। मेनी थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। यू हैव शेयर्ड योर व्यूज, थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच।